नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ब्रेक क्या होते हैं, ब्रेक की आवश्यकता क्यों है, ब्रेक एफिशिएंट ब्रेक्स हो ये किस बात पर निर्भर करेगा, तथा उनका ब्रेक्स का वर्गीकरण हमने पढ़ा था। आज हम ब्रेक्स का मैकेनिकल यानी ऑटोमोबाइल में जो ब्रेक्स यूज होते हैं उनका बेसिक कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि ये जो ब्रेक्स हैं ये एक्चुएट कैसे होते हैं, इसके आधार पर जो हम कार्य प्रणाली या वर्किंग पढ़ते हैं जैसे मैकेनिकल ब्रेक्स और हाइड्रोलिक ब्रेक्स, उनका जो ये सिस्टम है इसका एक्चुएशन का सिस्टम है मैं सारा बताऊंगा ये क्या है, ये अलग होता है, उस आधार पर हम इसकी कार्यप्रणाली अलग से समझेंगे। तो आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो ब्रेक का जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है वो कॉमन होता है, चाहे वो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो, चाहे वो मैकेनिकल ब्रेक्स हो, चाहे वो पावर असिस्टेड ब्रेक्स हो, उनका बेसिक कंस्ट्रक्शन सबका एक सा होता है, तो उसको आज हम समझ रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या होता है। तो यदि हम मोटे तौर पर बात करें तो इसमें एक बैक प्लेट होती है, एक ड्रम होता है, जो ड्रम मैंने यहां पर नहीं दिखाया क्योंकि इस चित्र में हम उसको दिखा नहीं सकते, मैं समझाऊंगा उसको कि ड्रम कैसे लगा हुआ होता है। बाकी पार्ट्स इसमें सब दिखाए हुए हैं जिनको अब अपन डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो देखिए सबसे पहले जो भी जिस व्हील पर भी हमें ब्रेक लगाने, ठीक है, वो व्हील दो तरह का हो सकता है। जैसे एक तो वो व्हील, वह व्हील या वह पहिया जिस पर की इंजन की पावर आ रही है यानी पावर्ड व्हील, और दूसरा वह पहिया जो फ्री है। जैसे यदि अपन कार की बात करते हैं तो कार में अगले पहिए जो होते हैं, ठीक है, अगले पहिए जिनको पावर आती है, सामान्य तौर पर जो कारें होती है वो फ्रंट व्हील ड्राइव होती है तो उनमें अगले पहिए पर पावर आती है, लेकिन पिछले पहिए जो होते हैं वो फ्रीली माउंटेड होते हैं, ठीक है, यानी गाड़ी को जैक पर यदि चढ़ा दिया जाए, जैक पर उठा लिया जाए तो पिछले पहिए आराम से फ्रीली घूम सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये इस बात पर निर्भर करता है, यानी बैक प्लेट वगैरह कैसे लगी इस बात पर निर्भर करता है कि कौन किस व्हील पर हम इसको लगा रहे हैं, यानी पावर्ड व्हील पर लगा रहे हैं जिस पर कि इंजन से पावर पहुंच रही है, या फ्री व्हील पर लगा रहे हैं। क्लियर है चीज। तो जैसे कन्वेंशनल जो ड्राइव होता है वो होता है रियर व्हील ड्राइव, यानी इंजन से पावर पिछले पहियों को पहुंचती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो स्टीयरिंग वाले व्हील हैं वो फ्रीली माउंटेड हैं। क्लियर है चीज। जैसे बसेज होती हैं, ट्रक होते हैं, ठीक है, उनमें डिफरेंशियल के थ्रू पिछले पहियों को पावर पहुंचती है, तो वो यदि अपन देखते हैं तो उसमें किस तरह से ये माउंटेड होते हैं अब अपन इनको समझते हैं। तो सबसे पहले होती है बैक प्लेट। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, जो पिछले पहिए हैं, जैसे व्हीकल इस प्रकार से खड़ा है, ये फ्रंट है और ये रियर है, तो हम समझते हैं। देखिए ये जो कंस्ट्रक्शन है इसको आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम, जब सब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें केवल यहां पर चेंज होता है इसमें बस, और कहीं चेंज नहीं होता, बाकी सभी सिस्टम सेम रहता है। तो अब देखिए रियर व्हील में क्या होता है कि ये इस तरह से गाड़ी खड़ी है, ये फ्रंट है ये रियर है, तो इंजन से पावर यह जाती है प्रोपेलर शाफ्ट से, फिर डिफरेंशियल से, ये दो भागों में बढ़ती है 90 डिग्री पर। तो ये पिछली एक्सल कैसे माउंटेड है इसको हम पहले समझते हैं। ये कैसे माउंटेड है कि आपने देखा होगा पीछे से यदि ट्रक को देखते तो एक डिफरेंशियल दिखता है और एक सॉलिड पाइप जाता है। जो सॉलिड पाइप जा रहा है वो घूमता नहीं है, वो बेसिकली है एक्सल केसिंग, वो है एक्सल केसिंग। देखिए एक्सल केसिंग है यानी एक्सल का कवर है। तो देखिए होता क्या है कि गाड़ी यो है तो मैं इस पहिए की बात कर रहा हूं, इस साइड वाले पहिए की बात कर रहा हूं, तो एक सॉलिड एक्सल केसिंग है, तो ये एक्सल केसिंग है। क्लियर चीज। इसके अंदर से लाइव एक्सल आती है, ये मान लेते हैं ये इसकी लाइव एक्सल है,
अर्थात सस्पेंशन सिस्टम तो लगेगा इस सॉलिड एक्सल केसिंग के ऊपर, जो एक्सल का कवर है इसके ऊपर शॉकर स्प्रिंग और बॉडी वगैरह माउंटेड होती है। इसके अंदर से लाइव एक्सल आती है, एल आई वी ई, लाइव। लाइव का मतलब जिसे पावर मिल रही है और पावर के द्वारा वो घूम रही है। क्लियर है चीज? तो जो बैक प्लेट है, बैक प्लेट किस पर कसी होती है? रियर व्हील में, यानी पावर्ड व्हील में। बैक प्लेट किसको कहते हैं ये भी मैं बताऊंगा। ये एक गोल डिस्क होती है, गोल ऐसे वृत्ताकार एक लोहे की प्लेट होती है, वो प्लेट इस केसिंग के ऊपर कसी हुई होती है। अर्थात जब व्हीकल चलता है तो ये जो बैक प्लेट है ये बैक प्लेट जो मैंने व्हाइट सर्किल से दिखाई है, ये जो बैक प्लेट है ये लोहे की एक गोल डिस्क है, थोड़ी मोटी होती है ताकि लोड ले सके, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, रिब्स बनी हुई होती है इसमें। तो वो बैक प्लेट इस पर कसी हुई होती है, किस पर? एक्सल केसिंग पर बैक प्लेट कसी हुई है। अर्थात ये बैक प्लेट व्हीकल के जब चलता है तो बैक प्लेट बिल्कुल नहीं घूमती है, ये आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। चाहे वो आगे के पहिए हो चाहे वो पीछे के पहिए हो, बैक प्लेट हमेशा स्टेशनरी रहती है। फिर बैक प्लेट में से जो एक्सल बाहर आती है निकल के, मान लेते हैं ये ब्लैक बोर्ड जो एक बैक प्लेट है किस पर माउंटेड है? पीछे से एक्सल केसिंग पर, तो इसमें से एक्सल बाहर प्रोजेक्ट होगी, एक्सल जो है वो इसमें बाहर आएगी। अब इस एक्सल के ऊपर, एक्सल यानी लाइव एक्सल जिस पर की पावर आ रही है, इसके ऊपर एक ड्रम माउंटेड होता है। ड्रम क्या होता है? देखिए नाम से ही क्लियर है, ड्रम का मतलब एक वृत्ताकार कोई बर्तन पात्र, जैसे चाय बनाने का बर्तन होता है गोल, ड्रम होता है भगोना टाइप होता है, उसको मैंने ये जो लाइव एक्सल है इंजन की पावर से जो घूमेगी इसके ऊपर मैंने उसको कस दिया। अर्थात कैसे कस दिया? जो बर्तन है यानी ये इसका तला है, ये इसकी वाल से चारों तरफ इसकी दीवार है, यानी ऊपर से हम इसमें कुछ भी भर सकते हैं। इसको उठाकर मैंने, यानी इसका केंद्र किसका? ड्रम का केंद्र और लाइव एक्सल का केंद्र बिल्कुल संकेंद्रित किया, कंसेंट्रिक किया, और इस ड्रम को मैंने इस एक्सल के ऊपर कस दिया, लाइव एक्सल के ऊपर। यानी अब जब लाइव एक्सल को इंजन से पावर मिलेगी, एक्सल घूमेगी तो ड्रम भी घूमेगा। क्लियर है चीज? तो देखिए अब इसका मतलब व्हील या पहिया किस चीज पर कसा हुआ है? यहां पर क्या बैक प्लेट पर कसा हुआ है? नहीं, किस पर कसा हुआ है? ड्रम पर कसा हुआ। इसको हम डिटेल में और समझेंगे जब सस्पेंशन पढ़ेंगे। तो देखिए अब यहां से क्लियर है कि बैक प्लेट हमेशा एक्सल केसिंग पर होती है यदि वो पावर्ड व्हील है, और अगर स्टीयरिंग जो आगे फ्री व्हील होते हैं उस पे स्टीयरिंग नकल पर कसी हुई होती है। बैक प्लेट फ्रंट में, फ्रंट व्हील में माउंटेड ऑन स्टीयरिंग नकल। स्टीयरिंग नकल जो स्टीयरिंग सिस्टम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे एक नकल होता है, वो इस तरह से घूमता है, किंग पिन के अबाउट घूमता है, उसमें से स्टब एक्सल निकलती है, तो ये उस पर कसा हुआ होता है बैक प्लेट। क्लियर है? वहां भी ये घूमता नहीं है। और बैक प्लेट रियर व्हील में यानी पावर्ड व्हील में एक्सल केसिंग पर कसी होती है, मैंने आपको बता दिया। अब आता है ब्रेक ड्रम, फ्रंट में किस पर कसा हुआ होता है? फ्रंट में ये जो स्टब एक्सल होती है, स्टीयरिंग के समय पर पढ़ेंगे, स्टब एक्सल के ऊपर ब्रेक ड्रम फ्रीली माउंटेड होता है। देखिए यहां पर एक्सल के ऊपर रिजिडली माउंटेड, रियर व्हील्स में तो माउंटेड रिजिडली ऑन रियर एक्सल। अर्थात रिजिडली का मतलब यह है कि बिल्कुल मजबूती से इसको रियर एक्सल, लाइव एक्सल जो है, ये जो लाइव एक्सल है इसके ऊपर मजबूती से कस दिया है। समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, ये मान लेते वेल्ड कर दिया, इसका मतलब एक्सल घूमेगी तो ड्रम घूमेगा, उल्टा बोले ड्रम घूमेगा तो एक्सल घूमेगी। लेकिन आगे के पहियों में जब पावर पिछले पहियों को आ रही है तो आगे के पहिए में फ्रीली माउंटेड होता है स्टब एक्सल के ऊपर। फ्रीली माउंटेड का मतलब क्या है? जो एक्सल है उसके ऊपर एक्सल नहीं घूमेगी, केवल पहिया फ्रीली घूमता है। ठीक वैसे ही जैसे साइकिल का अगला पहिया, साइकिल को मैं थोड़ा ऊपर उठा लूं और पहिए को घुमाऊं तो एक्सल फिक्स रहती है, पहिया घूमता है उसके ऊपर। क्लियर है चीज?
यानी यहां एक्सल को पावर नहीं आती है, तो अगले पहियों में जिन व्हील्स में पावर नहीं आती है वहां पर ड्रम जो होता है वो एक्सल के ऊपर फ्रीली माउंटेड होता है, अर्थात एक्सल और ड्रम के बीच में बेयरिंग्स लगे हुए होते हैं। क्लियर है चीज? तो अब यहां पर ड्रम देख लिया अपन ने और बैक प्लेट देख ली, दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये चित्र मैंने कैसे बनाया है? ये चित्र मैंने बनाया है कि ये जो है ये एक्सल है, ये लाइव एक्सल है, और इसके पीछे जो हमें दिखेगी नहीं बैक प्लेट के पीछे ये एक्सल केसिंग है, एक्सल केसिंग। यहां तक क्लियर है? तो अब देखिए ये एक्सल इसमें से बाहर आ रही है जो फ्री है, यानी एक्सल केसिंग और एक्सल के बीच में थोड़ा सा क्लियरेंस या जगह ये घूम सकती है इसके अंदर। क्लियर है चीज? तो देखिए ये चित्र जो मैंने बनाया है क्लियर है कि इस एक्सल जो इसमें से बाहर आ रही थी उस पर ड्रम कसा हुआ था, उसको मैंने हटा दिया। उसमें बोल्ट लगे होते हैं, वो नट लगे होते हैं, नट खोल दिए, उसको मैंने हटा दिया, तो अंदर से ये दृश्य हमें दिखता है। ये जो भी कुछ दिख रहा है इनमें से कुछ भी पहिए के साथ नहीं घूमता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है चीज? तो ये मैंने यहां पर बता दिया कि बैक प्लेट और ब्रेक ड्रम किस तरह से माउंटेड होते हैं व्हीकल में। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब ब्रेक लगता है तो शूज ड्रम से टकरा दबाते हैं, तो ड्रम के साथ शूज यानी ये पूरा सिस्टम भी घूमने की कोशिश करता है, घूमेगा नहीं क्योंकि फिक्स है, कोशिश करता है, अर्थात इसमें मरोड़ पैदा होता है, ट्विस्ट पैदा होता है। किसमें? इस पूरे सिस्टम में जो फिक्स है। तो ये जो ट्विस्टिंग टॉर्क है यानी जो ब्रेकिंग टॉर्क मैंने लगाया उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो टॉर्क पैदा होता है वो सारा किसके द्वारा वहन किया जाता है, किसके द्वारा झेला जाता है? बैक प्लेट के द्वारा, यानी बैक प्लेट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स द ब्रेकिंग टॉर्क रिएक्शन। इसीलिए हम बैक प्लेट को टॉर्क प्लेट भी बोल देते हैं। क्लियर है चीज? तो ये अब काफी क्लियर है कि बैक प्लेट और ब्रेक ड्रम कैसे कसा हुआ होता है। अब ब्रेक ड्रम मैंने यहां से खोल दिया है तो उसके अंदर जो दिखा इसको डिस्कस करते हैं। देखिए ये दो शूज हैं, शूज किस तरह के होते हैं आप इसको यूं समझ सकते हैं कि ऐसे ये गुटका है, इस गुटके को मैंने यहां से यूं मोड़ दिया, एक और एक, ये दो मेटल के गुटके होते हैं जिनको हम बोलते हैं शूज। ठीक है, तो ये जो ब्रेक शूज हैं ये किस तरह से माउंटेड होते हैं? ब्रेक शूज इस बैक प्लेट पर इस बिंदु पर, देखिए ये दो जो बिंदु है, एक शूज का ये वाला पॉइंट और इस शूज का ये वाला पॉइंट या एंड, इनको एंकर के द्वारा कसा जाता है। एंकर क्या होता है? एंकर मतलब पिन। ये क्या है? पिन है। कैसे है? जैसे ये मान लेते हैं ये शू है, एक पिन मैंने इसके अंदर लगा दी, अर्थात ये पिन, इसमें एक छेद है जिसमें से ये पिन अंदर गई और अंत में जाके किसमें कसेगी? पीछे जो बैक प्लेट है उसमें कस दी गई। लेकिन ये किस प्रकार से, ये पिन जॉइंट, ये पिन अपनी जगह पर रहेगी लेकिन ये जो शूज है ये इस तरह से इस पिन के सापेक्ष यूं घूम सकते हैं, ऐसे घूम सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट जो है एंकर अपनी जगह पर स्थिर रहता है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर है, ये पिन या एंकर है और ये इस तरह से मूवेबल है। क्लियर है चीज? तो अब यहां पर यानी ब्रेक शूज का एक एंड तो एंकर के द्वारा बैक प्लेट पर कसा हुआ होता है, लेकिन इस एंकर के सापेक्ष ये शूज इस तरह से गति, अंदर बाहर गति कर सकते हैं। इनका जो दूसरा एंड है, दूसरा एंड ये बीच में एक एक्सपेंडर होता है जिसको अपन कैम भी बोल सकते हैं, ये अभी मैं केवल इसको एक्सपेंडर बोलूंगा, एक्सपेंडर। ठीक है, एक्सपेंडर का मतलब, एक्सपेंड मतलब विस्तार यानी फैलाना। तो एक्सपेंडर का यहां क्या कार्य होगा? वो इन शूज को बाहर की तरफ एक्सपेंड करेगा या फैलाएगा। क्लियर है चीज? तो ये जो एक्सपेंडर, ये अलग अलग हो सकते हैं, मैकेनिकल ब्रेक्स में ये टॉगल टाइप हो सकते हैं जैसे मैंने दिखाया है, इसको मैं समझाऊंगा जब अपन मैकेनिकल ब्रेक्स पढ़ेंगे, या कैम टाइप हो सकता है, इसमें कैम लगा हुआ हो सकता है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं तो यहां पर एक व्हील सिलेंडर होगा, उसमें दो पिस्टन होंगे, पिस्टन रॉड्स होंगी जो इनको जब प्रेशर पड़ता है उसके अंदर तो वो बाहर आती है, शूज को एक्सपेंड करती है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये एक एक्सपेंडर है।
एक्सपेंडर जब घूमेगा, इस चित्र की यदि बात करते हैं और ये यूं घूमता है, ये यूं घूमता है, क्लियर है चीज, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रॉड इधर आएगी इसको बाहर पुश करेगी, ये रॉड इधर आएगी तो ये इसको बाहर पुश करेगी, और ये अब इसमें हकीकत में इसमें वास्तविकता में ये सारी जो असेंबली है किसमें ढकी हुई है, ब्रेक ड्रम में। ब्रेक ड्रम फ्रीली इसके ऊपर घूमता है, यानी ब्रेक ड्रम और बैक प्लेट के बीच में एक थोड़ा सा क्लियरेंस होता है, यानी वो एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए या रिजिडली एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि बैक प्लेट तो एक्सल कवर पर या केसिंग पर है और ड्रम एक्सल पर है, क्लियर है चीज। तो वो इस तरह से तो घूमता है, अंदर से जब शूज फैलते हैं ड्रम की दीवार से टच होते हैं तो ब्रेक अप्लाई होता है। ये एफ जो है ये ब्रेकिंग फोर्स है, ये यहां तक ब्रेकिंग फोर्स पहुंचा कैसे, जब ड्राइवर ने पेडल दबाया, ब्रेक पेडल दबाया, तो वहां से जो भी सिस्टम था, कोई रॉड थी, छड़ थी या हाइड्रोलिक फ्लूइड था, जिससे प्रेशर यहां तक पहुंचा, यानी अंततः ये पेडल फोर्स इन शूज तक पहुंचा है, तो ये कहलाते हैं शूज। तो शूज मेटल के गुटके होते हैं, लेकिन इनके ऊपर देखिए मैंने पीले कलर से दिखाया है, एक ब्रेक लाइनिंग होती है। ये क्या होती है? लाइनिंग, फ्रिक्शन लाइनिंग, फ्रिक्शन लाइनिंग। जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया था जब मैंने ब्रेक का इससे पिछले लेक्चर में बताया था, ब्रेक शूज के ऊपर फ्रिक्शन लाइनिंग होती है। तो ये फ्रिक्शन लाइनिंग अलग से अपन इसके ऊपर रिविट के द्वारा जोड़ देते हैं। कई जगह पर हमें यह भी सुविधा प्राप्त होती है इनमें कि जब ये लाइनिंग घिस जाती है तो इनको हटाकर इन्हीं ब्रेक शूज पर दूसरी लाइनिंग अपन लगा लेते हैं, क्लियर है चीज। अब इसके बाद में क्या होता है कि जब अपन ने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाया तो ये एक्सपेंड हुए, शूज फैले। देखिए अपन कौन से शूज ब्रेक्स पढ़ रहे हैं, इंटरनल एक्सपेंडिंग, अंदर से बाहर की तरफ फैलने वाले। तो जब ये फैल चुके हैं, ब्रेक लग चुका है, अब हमें जब आवश्यकता नहीं है तो ड्राइवर ब्रेक पेडल पे से पैर हटाएगा, जब पैर हटाएगा तो ये शूज वापस आने चाहिए। इसके लिए हम इसमें एक स्प्रिंग लगाते हैं, ये एक स्प्रिंग है जो इन दोनों शूज में, इधर का सिरा स्प्रिंग का इसमें लगा हुआ है, इधर का सिरा इसमें लगा हुआ है, तो ये रिट्रैक्ट करती है, जो एक्सपेंडर ने एक्सपेंड किया तो रिट्रैक्टर इसको वापस रिट्रैक्ट करती है, यानी वापस अंदर की तरफ खींचती है। तो ये जो स्प्रिंग है ये इसको ब्रेक शूज को वापस अंदर की तरफ खींचती है और अपनी मूल अवस्था में लाती है, क्लियर है चीज। तो ये रिट्रैक्टर स्प्रिंग हो गई। अब यहां पर ये सॉरी एडजस्टर, ये एक्सपेंडर नहीं है, ये एडजस्टर है। ये क्या है? एडजस्टर। एडजस्टर जैसे नाम से ही क्लियर है कि ये एडजस्ट करता है, किस चीज को एडजस्ट करता है। तो देखिए होता क्या है इसमें कि जब ब्रेक लगातार यूज होते रहते हैं तो ब्रेक लाइनिंग घिस जाती है, ब्रेक लाइनिंग घिस जाती है तो ये गैप बढ़ जाता है और ब्रेक उतना एफिशिएंटली, उतनी दक्षता से ब्रेक नहीं लग पाता है। तो हम क्या करते हैं, ये एक्सपेंडर है, इसके अंदर चूड़ी होती है, नट होता है, हम इसको घुमाते हैं तो ये दूरी बढ़ जाती है, ये जो गैप है यानी ये थोड़ा सा इधर सरक जाएगा और ये भी थोड़ा सा इधर सरक जाएगा, क्लियर है चीज। तो हम इसको आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, क्लियर है चीज। कब? जब ये वियर एंड टेयर होता है, किसका? ब्रेक लाइनिंग का या ब्रेक शूज का, जब वियर होता है और ये गैप बढ़ जाता है, ड्रम और ब्रेक शूज के बीच का गैप बढ़ जाता है, इफेक्टिव ब्रेकिंग नहीं होती है, उस समय पर हम इस एडजस्टर के द्वारा इस गैप को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी वापस से सही कर सकते हैं। तो ये जो अपन ने पढ़ा ये सारा था बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेक्स, क्लियर है चीज। अब कि ब्रेक जो टॉर्क लग रहा है यानी इसको घूमने से रोकने के लिए जो भी ब्रेकिंग फोर्स कह लीजिए, चाहे ब्रेकिंग टॉर्क कह लीजिए, ठीक है, तो वो जो है वो किस बात पर निर्भर करता है, वो इस बात पर निर्भर करता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसे नहीं पढ़ेंगे, जो ब्रेकिंग टॉर्क है वो इस बात पर निर्भर करता है कि जो एक्सपेंडर है ये एक्सपेंडर फिक्स है या फ्लोटिंग है। फिक्स या फ्लोटिंग का क्या मतलब है? फिक्स का मतलब यह है कि यदि मैंने इसको बैक प्लेट के ऊपर यहां लगा दिया तो ये यहीं रहता है, यानी इसके ऊपर यहां पेच से या पिन से कसा हुआ है तो ये यहीं रहेगा, इधर से चल के इधर नहीं आएगा, इधर से चल के नहीं आएगा, इसको बोलते हैं फिक्स टाइप।
फ्लोटिंग का मतलब यह होता है कि जो एक्सपेंडर है ये इधर उधर सरक सकता है, ये इस पिन के द्वारा इस बैक प्लेट पर परमानेंट इसी बिंदु पर नहीं कसा हुआ है, आवश्यकता अनुसार इधर भी हो सकता है तो इधर भी स्लाइड हो सकता है, तब इसे बोलते हैं फ्लोटिंग टाइप। ठीक है, इसी तरह से वेदर एंकर इज फिक्स्ड और फ्लोटिंग, एंकर का मतलब जिस पिन के अबाउट या जिस पिन के सापेक्ष ये ब्रेक शूज अंदर और बाहर चलते हैं, इसके अबाउट ये अंदर और बाहर चलते हैं, यदि ये बैक प्लेट पर फिक्स हैं, यदि ये बैक प्लेट पर फिक्स हैं, यानी एक ही स्थान पर है, यही फिक्स है, यही कस दिया, इसी स्थान से ये जो पिन है इधर उधर नहीं चल सकती, तब हम इसे कहेंगे फिक्स टाइप एंकर। और अगर ये इधर उधर सरक सकती है, अब आप पूछेंगे सर ये कैसे कैसे संभव है, ऐसा होता है, जिसे मैं मेरे अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है चीज? तो ये कितना ब्रेकिंग टॉर्क लग रहा है, या सीधी सी बात करें कि ब्रेक की दक्षता, अर्थात ड्राइवर ने सेम पेडल पर सेम फोर्स लगाया, तो कौन सा ब्रेक अधिक लगेगा, यानी ब्रेकिंग टॉर्क ज्यादा लगेगा या ज्यादा ब्रेकिंग फोर्स लगेगा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि ये एक्सपेंडर फिक्स है या फ्लोटिंग है, एडजस्टर फिक्स है या फ्लोटिंग है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि शूज ट्रेलिंग है या लीडिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि शूज ट्रेलिंग है या लीडिंग है। क्लियर है चीज? इन्हें हम हमारे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।